बहुत सारा विषय है हाँ। मेरे सम्माननीय मित्र ने रखा है, मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहता हूँ। इसका जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे गुरदीप सिंह, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया था अजमत अली, जो पहाड़गंज का अपना पता बताता था और इसने अपना नाम रख रखा था राजेश खन्ना, जी 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 रिकॉर्ड के अंदर है, तो इसको बाकायदा ये बात सोची गई थी इसके और ग्रिलिंग की जाए, पूछताछ की जाए। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऊपर के दबाव के कारण से इसको छोड़ा गया। ये बात सफदर नागौरी जो सिम्मी का पूर्व अध्यक्ष है, उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने बात स्वीकार की कि सिम्मी के आतंकवादी और पाकिस्तान की योजना के साथ ये विस्फोट का कांड हुआ था जिसमें 68 लोग मारे गए थे। उसके छोटे भाई ने भी इस बात की पुष्टि की और ये कहा, बड़ा शहर का नाम सुनकर के आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा मैडम, लेकिन वो इंदौर का भी कमरुद्दीन ये मालूम है, नहीं अब्दुल रज्जाक है वो जो इसके अंदर शामिल था। यानी जो सारी बातें कही गई हैं और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को उसके अंदर शामिल बताया गया, सारी बातें कही गई। शिंदे साहब से पूछा मीडिया के लोगों ने कि कौन था, बोले मैं उन दोनों गृहमंत्री नहीं था। जो गृहमंत्री उन दोनों थे सारा देश उनको जानता है, उन्होंने जिस प्रकार की बातें की हैं, गृह मंत्रालय के दफ्तर का जो दुरुपयोग किया गया है हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए, सबको साथ लेकर के चलने वाले सर्वधर्म संभावी हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, ये बहुत चिंताजनक है। मेरी एक चिंता ये भी है कि विरोध पक्ष का विरोध करते समय क्या इस सीमा तक कोई दल जा सकता है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकवादियों का संरक्षक बन जाए। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपके माध्यम से सवाल है, सुनिए बात सुन लीजिए। मेरा मैडम आपके माध्यम से ये सवाल है कि क्या ये दिग्भ्रमिता है, ये दिशाभ्रम है यूपीए का और कांग्रेस का, या ये षड्यंत्र है, इस बात की जांच की जाए। ये बहुत चिंताजनक है, देश के प्रति दुश्मनी का भाव रखने वालों के साथ खड़े होना ये बहुत चिंता की बात है, ये इसकी पूरी जांच की जाए। गृहमंत्री जी की क्या भूमिका थी, आप देखिए अध्यक्ष जी, एक सेकंड और एक बात और कहना चाहता हूँ, जाने ये क्या बात है, बाटला हाउस के का कांड होता है, इसमें एक स्टेटमेंट आता है, नेता चीन से विवाद है, इनके नेता एम्बेसडर से मिलने जाते हैं, इनके सांसद पाकिस्तान में जाकर